आइए अपने बच्चों के जीवन में सबसे अच्छी शुरुआत देने के लिए हाथ मिलाएं। अपने बच्चे को खड़े होने और आपके पास आने के लिए बढ़ावा दें। हो सकता है वो एक बार में ऐसा ना कर पाएं, लेकिन अगर वो गिरें तो आप घबराएं नहीं, बस हंसकर उन्हें फिर से कोशिश करने के लिए बढ़ावा दें। अगर आपके बच्चे को पता होगा कि आप उनका साथ दे रहे हैं, तो कोशिश करने और नई चीजों को सीखने की उन्हें हिम्मत और कॉन्फिडेंस मिलेगी। बस ध्यान रखें कि आपके बच्चे के आसपास ऐसी चीजें ना हो जिनसे उन्हें चोट लग सकती है। हरे पत्ते वाली सब्जियां, गाजर, पालक, आम, पपीता, मांस, दूध, अंडे और विटामिन ए देने वाले कई फल और सब्जियां आपके बच्चे की आंखों के लिए अच्छे हैं, और इसीलिए आपको उन्हें ये खाने के लिए देते रहना चाहिए। अपने बच्चे को बढ़ने में मदद करने के लिए दाल, अंडा और चावल जैसा पौष्टिक खाना भी देते रहें, और ताकत के लिए उन्हें दही और घी भी दें। बाजार में जो भी मिल रहा है उसके हिसाब से बदल बदल के खाने की चीजें दें, ताकि आपके बच्चे अलग अलग तरह के स्वाद जान सकें। अब ये जरूरी है कि परिवार के बाकी लोग जो खाते हैं वो चीजें आप अपने बच्चे को देना शुरू करें। खाने में कम मिर्ची और मसाले डालें, ताकि बच्चे खाने को आसानी से डाइजेस्ट कर पाए या पचा पाए। उनके खाने को ज्यादा पौष्टिक बनाने के लिए एक चम्मच तेल, घी या मूंगफली के पाउडर डालें। उन्हें खुद से खाने के लिए बढ़ावा दें। खाने के टाइम में अपने बच्चे को उनकी अपनी कटोरी और चम्मच दें। जब वो परिवार के सभी लोगों के साथ बैठकर खाएं, तो उनकी नकल करके वो खुद से खाना सीख सकते हैं। जब वो खाने की कोशिश करते हैं तब वो खाना गिरा और फैला सकते हैं, पर ये सब सीखने का ही तरीका है। जब तक कि वो खुद ठीक से ना खा पाए, आपको बीच बीच में उन्हें खिलाने की जरूरत पड़ सकती है। इस उम्र में बच्चे शब्दों को समझते हैं और उंगली से इशारा करके चीजें मांगते हैं। अपने बच्चे के बोलने और समझने के विकास को बढ़ावा देने के लिए आप उन्हें पढ़कर कहानियां सुना सकते हैं, या अपना रोज का काम करते हुए उनसे बातें कर सकते हैं। ऐसे करने से आपके बच्चे बोलना और बातचीत करना सीखेंगे, और आप दोनों का साथ में ज्यादा वक्त बिताने का भी मौका मिलेगा। इस उम्र में आपके बच्चे 2 या 3 कदम अपने आप चल पाएंगे। अगर वो चलते हुए गिर जाते हैं तो चिंता ना करें, यह सब सीखने का हिस्सा है। खुद से चलने के लिए उन्हें बढ़ावा देना जरूरी है। ऐसे कर पाने का एक तरीका यह है कि जब बच्चे खिलौने फेंकते हैं तब आप उन्हें उठाकर लाने के लिए कहें। यह उन्हें चलने की कोशिश करने के साथ साथ बैठने और घुटनों के बल चलने में भी मदद करेगा। यह आपके बच्चे की मसल के विकास में भी मदद करेगा और उन्हें मजबूत बनाएगा, जिससे वो और अच्छी तरह से चल पाएंगे। अपने बच्चे को डब्बों में डालने और निकालने के लिए चीजें दें, और जब वो ऐसे कर रहे हो तब उन चीजों का नाम भी साथ साथ लें। इससे उनकी आंखों और हाथों के बीच का तालमेल बेहतर होगा, और आप उन्हें अंदर जाने और बाहर आने जैसे बातें भी सिखा पाएंगे। किसी चीज का नाम कहने से उन्हें उसका रंग, बनावट, आकार समझ आएगा, और याद रखने में आसानी होगी कि वो कैसे दिखती है। यह आपके बच्चे के सोचने की और नए शब्द सीखने की शक्ति को बढ़ाएगा। उन्हें यह सिखाने के लिए कि उनके कुछ करने का क्या असर होता है, आप डब्बों और ब्लॉक से एक ऊंची बिल्डिंग बनाएं और फिर उसे गिराएं। अपने बच्चे के साथ खेलें, उनसे बात करें, उन्हें बढ़ावा दें और उनके सीखने की एक नींव या बुनियाद रखें। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने बच्चे के साथ जो कुछ भी करते हैं उसमें मजा लेना ना भूलें।